फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मक्की दी रोटी और उसको सर्व करेंगे द मोस्ट फेमस सरसोदा साग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट से लाया हुआ ये साग है, इसमें लीफ पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे ही साफ़ करेंगे अच्छे से। आप इसका स्टेम पार्ट भी ले सकते हैं, पर हम फ़िलहाल लीफ पार्ट से ही काम चलवाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो साग है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो इसे हम अच्छे से धो के सुखा के काट लेंगे। साग बहुत अच्छा रहता है, ये हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाता है। तो इसे अच्छे से साफ़ करके हमने ये देखिए काट लिया है साग। ये लगभग 3 किलो साग है जो बारीक बारीक काट लिया है नाइफ़ की हेल्प से। तो अब एक बड़ा कुकर ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1/4 या 1 ग्लास पानी का, क्योंकि इसमें हमने साग को बॉईल करना है। और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े टेबलस्पून नमक के। जब पानी में बॉईल आ जाए तो जो फाइनली हमने चॉप किया हुआ साग है वो ऐड करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, साथ साथ में ऐड करते जाइए, घबराइए मत। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो ये साग जो है वो पानी के साथ सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें हम 7 से 8 हरी मिर्चें काट के डालेंगे, आप चाहे तो एज सच भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, साग जो है पानी के साथ पक रहा है, सिकुड़ जाएगा ये थोड़ी ही देर में और इसका जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। अगर आपको सारा का सारा साग अभी डालना है तो आप कड़छी की मदद से इसे नीचे भी दबा सकते हैं। ये देखिए, ईजिली दब रहा है, पानी जो है वो साग को सिकुड़ने देगा और पकना भी शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम, ये है पालक, 1 किलो पालक जो हमने साफ़ करके काट के रखी है, इसको हम साग में डाल देंगे। पालक से जो साग है वो बिल्कुल मिक्स कंसिस्टेंसी का बनेगा। तो ये देखिए, हमने पालक भी ऐड करनी शुरू कर देनी है। सेम प्रोसेस करेंगे, कुकर का जो लेवल है, जो उसमें साग डाला है वो नीचे बैठेगा, तो आप और इसमें पालक को ऐड कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, साइड से आप देखेंगे कि डार्क ग्रीन कलर के हो गए हैं सारे के सारे लीव्स और पानी ऊपर तक आ गया है। तो अब हम, टाइम है, कुकर को बंद कर देंगे क्योंकि हमने साग और पालक दोनों डाल लिए हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 45 मिनट तक रखेंगे। 45 मिनट के बाद ये देखिए, जो पानी है उसने साग और पालक दोनों को सिकोड़ दिया है अच्छे से और बॉईल हो चुकी है दोनों चीज़ें। तो दूसरी तरफ हम रखेंगे तड़का। तड़के को हम अपने हिसाब से बनाएंगे, आप चाहे तो अपना फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें हम बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने लिया है 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, हम रिफाइंड ऑयल में तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम इस तरह की 3 लहसुन के गांठे डालेंगे। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 3 गांठे लहसुन की पीस के और इसमें 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। आप ज़रूर इस तड़के को ट्राई करिए, लहसुन और अदरक बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए, लहसुन और अदरक ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक और प्याज का तड़का भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो अब दूसरी तरफ चलिए, साग तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि हमें इसे मिक्स करना है, तो हम ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स कर रहे हैं। जो पालक है वो मिक्स होने में इसे हेल्प करेगी।
ये देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं साग की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। दूसरी तरफ हमारा जो तड़का है वो भी रेडी है। तो इसमें हम डालेंगे सूखा मक्की का आटा, ये भी साग की कंसिस्टेंसी को थिक करेगा। तो मक्की का आटा आप ब्लेंडिंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं या तड़के की टाइम पे भी डाल सकते हैं, इससे कंसिस्टेंसी साग की थिक हो जाएगी। ये देखिए मक्की का आटा भुन चुका है। अब इसमें हम जो हमारा ब्लेंडेड साग है वो डालेंगे और लगभग आधी कढ़ाई हम साग की फिल कर लेंगे तड़के में। पालक और जो मक्की का आटा है वो साग को फिनिश्ड लुक देगा, साग जो है वो थिक लगेगा, सिमटा हुआ लगेगा। तो इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अभी साग जो है गाढ़ा लग रहा है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपको लचीला चाहिए उतना ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं खाना है हमें साग को। तो ये देखिए साग की इतनी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहेगी और साग जो है हमारा रेडी है। अब हम चलेंगे मक्की की रोटी की तरफ। तो दो बड़े कप हमने मक्की का आटा ले लिया है, उसे पानी के साथ मसल लेंगे। मक्की का आटा जो है हमें पानी के साथ मसल लेंगे और तब तक मसलेंगे जब तक ये सिमटना शुरू नहीं हो जाता है। जैसे ही सिमटना शुरू होगा हम इसे अच्छे से मसल भी लेंगे। ये देखिए पूरे मक्की को आटे को हमने मसलना शुरू कर दिया है। जितना ज़्यादा आप मक्की के आटे को मसलेंगे उतना ज़्यादा जो रोटी है वो फूली हुई और सॉफ्ट बनेगी। तो मसलने के लिए हथेलियों का इस्तेमाल करिए। अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हाथों को गीला ही रखें तो आपकी जो मसलन है वो बहुत स्मूथ रहेगी। ये देखिए आटा सिमट भी रहा है और हम इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और भी सॉफ्ट करते जा रहे हैं। मक्की का जो कण कण है वो पानी को पी लेगा और आटा जो है वो सॉफ्ट रहेगा। 5 से 10 मिनट तक इसे लगातार हथेलियों से मसलें। ये देखिए सॉफ्ट डो हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। ये पूरा सिमट चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मक्की की रोटी। चकला ले लीजिए, उस पर सूखा आटा डाल दीजिए। एक लोई ले लीजिए मक्की के आटे की और याद रखिए हाथों को गीला ही रखिए तो आपकी जो रोटी है वो इजीली रोल होती रहेगी हाथों के बीच में। हल्का सा चपटा कर ले हथेलियों का इस्तेमाल करके, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अब इसे चकले पे रख देंगे और हाथों को गीला करके फैलाना शुरू कर देंगे रोटी को। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गोल रोटी जो है फैलना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे से उंगलियों को पानी में डुबोकर मक्की के आटे की रोटी को फैलाते जाइए। तो ये देखिए गोल मक्की की रोटी मिल चुकी है, तवा गरम है। अब हम इसमें रोटी को डाल देंगे। एक तरफ से सिक चुकी, हल्की सी सिक चुकी है तो पलट देंगे। याद रखिए फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है। मीडियम पे रखेंगे तो मक्की की रोटी जो है वो कण कण से सिक जाएगी। इसको सिकने में टाइम लगता है। तो ये देखिए दूसरी तरफ हमने पलट दिया है और ये फूलना भी शुरू हो गई है। रोटी फूली इसीलिए क्योंकि हमने आटे को अच्छे से मसला है। अगर आप भी मसलेंगे तो आपकी भी रोटी फूलेगी। तो हल्के हल्के से दोनों तरफ से सेकते रहिए। मक्की के आटे को सिकने में बहुत टाइम लगता है तो मीडियम फ्लेम पे पेशेंस के साथ इसे सेकिए। फूली हुई रोटी जो है अभी मक्की की रेडी हो गई है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। तो उतार लीजिए। अब हम मक्की के आटे की रोटी को घी लगाएंगे और सरसों के साग के साथ
मिर्चों के साथ और मूली के साथ सर्व करेंगे। घी डालना मत भूलिए साग में। तो गरम गरम सरसों का साग, मक्की की रोटी, हरी मिर्च और मूली के साथ रेडी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर होम स्टाइल कुकिंग। थैंक यू।